प्राचीन भारत में गंगा नदी के शांत किनारों के पास एक दिन गांव के लोग एक असाधारण दृश्य के साक्षी बने। कुछ मछुआरों ने एक बड़े जाल में एक विशाल मछली पकड़ी थी। यह मछली कोई साधारण पकड़ नहीं थी, यह बड़ी चमकदार और जीवन के लिए संघर्ष करती हुई थी। मछुआरे बहुत खुश थे क्योंकि इस तरह की पकड़ बाजार में अच्छी कीमत दिला सकती थी। इस असामान्य पकड़ की खबर तेजी से फैली और बुद्ध के कानों तक पहुंची, जो पास में ध्यान कर रहे थे। सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा महसूस करते हुए बुद्ध ने इस दृश्य को देखने का निश्चय किया। जब वे पहुंचे तो भीड़ ने श्रद्धा में मार्ग छोड़ दिया, जिससे उन्हें अद्भुत मछली को करीब से देखने का मौका मिला। बुद्ध नदी के किनारे घुटनों पर बैठे पीड़ित जीव की आंखों में देखते हुए उन्होंने उसकी आंखों में दर्द और डर देखा। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ मछली पर रखा और मुलायम स्वर में बोलने लगे। उनकी आवाज में शांति और सांत्वना की ऊर्जा थी। सभी प्राणी दर्द से डरते हैं, सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। यह जानते हुए किसी को भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या मारना नहीं चाहिए, गांव के लोग और मछुआरे चुपचाप सुनते रहे। उनके दिल बुद्ध के शब्दों से छू गए। बुद्ध ने तब मछली के पिछले जन्मों की कहानी सुनाई, यह बताते हुए कि वह कभी एक मानव थी, एक मछुआरा जिसने नदी से अनगिनत जीवन लिए थे। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप वह मछली के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी और उन्हीं जालों में फंसी थी जिन्हें वह कभी फेंकता था। बुद्ध के करुणामय शब्दों और मछली की दुखद कहानी ने सभी उपस्थित लोगों के दिलों को प्रभावित किया। मछुआरों ने पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र की वास्तविकता को समझते हुए मछली को नदी में वापस छोड़ने का निर्णय लिया। महान मछली अब स्वतंत्र तैरते हुए चली गई। उसकी पीड़ा बुद्ध की करुणा से कम हो गई। बुद्ध ने गांव वालों और मछुआरों की ओर मुड़ते हुए उन्हें करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाया। सभी प्राणियों के प्रति दयालुता और करुणा दिखाकर उन्होंने कहा, हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं और इस जीवन और परे में शांति और खुशी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले सभी जीवों के प्रति अधिक सम्मान और दया दिखाने लगे। मछुआरों ने नए आजीविका अपनाई जो जीवन लेने में शामिल नहीं थे। बुद्ध और मछली की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने इसे सुनने वाले सभी को करुणा की शक्ति और सभी जीवन का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाई। और इस तरह गंगा के शांत किनारे मानव और प्रकृति के बीच की सामंजस्य का साक्षी बने रहे, जो बुद्ध की कालातीत ज्ञान और असीम करुणा से प्रेरित थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।